नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। हम मास्टर स्ट्रोक शुरू कर रहे हैं और उधर नीतीश जी के घर पे डिनर शुरू हो चला है। अमित शाह पहुंच चुके हैं, जिक्र जरूर होगा, लेकिन पहले 8 खबरों पर नजर डाल ली जाए। पहली खबर यही बतलाती है कि अटूट गठबंधन है और दोनों को कहना पड़ा। इसके मतलब बहुत सारे हैं, आने वाले वक्त में पता चलेगा, रिपोर्ट भी दिखाएंगे। रास्ता क्या है? खुदरा महंगाई 5 महीने में सबसे ज्यादा है, यानी आम आदमी पर बोझ है महंगाई का। तीसरी तस्वीर बता रही है कि ब्लैक मनी के मद्देनजर अब डिमांड ड्राफ्ट पर बनवाने वाले का भी नाम होगा। इससे पहले बनवाते थे तो जिसके लिए बनवा रहे हैं उसका नाम, अब आपका नाम भी होगा। सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, 36,000 पार है, 37,000 माना जा रहा है, कल परसों तक छू देगा। सुप्रीम कोर्ट की एलजी को फटकार है, दिल्ली में कूड़ा का पहाड़ इतना बड़ा हो गया कि कुतुब मीनार से चंद हिस्सों में नीचे है, और आप क्या कर रहे हैं, आप सुपरमैन है क्या, कुछ कीजिए। हिंदू पाकिस्तान एक ऐसा शब्द जिसने सियासत में बवाल खड़ा कर दिया है, रिपोर्ट इस पर दिखाई जाएगी। आसमान में विमान टकराने से बचे, ये 2 दिन पहले की घटना है, बेंगलोर की घटना है, और 2 इंडिगो के विमान 200 फीट की नजदीक आ गए थे। देश में कितने गड्ढे, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, दिल्ली और मुंबई के मद्देनजर बता तो दीजिए, भरते तो है नहीं आप लोग, तो सुप्रीम कोर्ट के तेवर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले ताजमहल पर भी जिन बातों का जिक्र किया उसका भी लगातार ये मसला है कि सुप्रीम कोर्ट सक्रिय है, सियासत सक्रिय है, सियासत अपने लिए सक्रिय है, सुप्रीम कोर्ट देश के लिए सक्रिय है। बात कहां से शुरू की जाए? हिंदुस्तान की राजनीति का छुमंतर की स्थिति में आ गई है और तमाम मुद्दे ऐसे लगने लगे हैं छुमंतर हो जाते हैं, इस बात का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? शुरुआत उस राजनीति से क्योंकि इस वक्त पटना में डिनर की शुरुआत हो चली है। तो शुरुआती दौर में जरा एनडीए का वो चेहरा देख लें जिसमें हर गठबंधन के साथी के सामने सवाल ये है, आगे जाए या पीछे लौटे। जरा इस रिपोर्ट को देखें। बनाने वाला सूत्र क्या है? वो सूत्र है हिंदू, हिंदुत्व। लगातार इतनी जीत और सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर जीत। चंद्रबाबू जी गए हैं तो नीतीश जी आ गए, जरा जोर से बोलो, कोई फर्क पड़ा है? एक तरफ संघ परिवार, दूसरी तरफ मोदी सरकार, तो क्या बीजेपी 2 छवि लेकर चल रही है? हिंदुत्व की बात भी है और विकास का जिक्र भी। एक तरफ परिवार का जिक्र है, दूसरी तरफ सभी को साथ लेकर चलने की बात, और बीजेपी के साथ खड़े राजनीतिक दलों में किसी को संघ परिवार की छवि से डर लगता है तो किसी को मोदी की लीडरशिप से। पर 2019 की तरफ बढ़ते कदम कैसे एनडीए के भीतर आगे कुआं तो पीछे खाई वाली स्थिति पैदा कर चुके हैं, ये इससे भी समझा जा सकता है कि साथ रहना मजबूरी है और साथ छोड़ देना जरूरी है। और इसी सियासी रस्साकशी पर बिहार में नीतीश कुमार खड़े हैं तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे। नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग में संघ के हिंदुत्व की छवि सेंध लगाती है तो उद्धव ठाकरे के हिंदुत्ववादी सियासत में मोदी के काम करने का तरीका सेंध लगाता है। और इसी लकीर को विस्तार दीजिएगा तो नीतीश कुमार के साथ रामविलास पासवान हो या यूपी की सियासत साधते राजभर, सभी की मुश्किल अपने वोट बैंक में किसी दूसरे को साथ खड़ा करने का नया संकट है, क्योंकि संघ परिवार की विचारधारा आड़े आ जाती है। और ये राजनीतिक अस्तित्व की भी बात हो चली है, तभी तो बिहार में जीतन राम मांझी बीजेपी से फिर अलग हो गए। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के तीखे बोल हों या फिर एनडीए का साथ छोड़ चुके चंद्रबाबू नायडू या चंद्रशेखर राव या महाराष्ट्र के राजू शेट्टी की अपनी अपनी मुश्किलें, या फिर रूठे हुए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के विमल गुरुंग, इनकी परेशानी मोदी से जगी उम्मीद थी जो उम्मीद टूट रही है। जबकि एक तीसरी धारा भी है जिसके लिए बीजेपी आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति बन रही है। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती आगे क्या करेंगी ये वह भी नहीं जानती। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा कैसे बीजेपी नीतीश के बीच संतुलन बनाए रखेंगे ये वह भी नहीं जानते। तो कुछ सवाल असम में महंता के सामने भी हैं, और यही वो पॉलिटिकल चौसर है जिसमें बीजेपी खुद को कितना ताकतवर बताते दिखाते हुए विपक्ष की एकजुटता में सेंध लगाने की कोशिश इस उम्मीद से कर रही है कि उसके साथ खड़ा कोई सहयोगी टूटेगा नहीं। यानी 2014 की जीत की आंधी 2019 में विपक्ष की एकजुटता के साथ अगर फाइट दिखला रही है तो फिर बीजेपी सहयोगियों के लिए यही ऑक्सीजन है जिसके सहारे वो सीटों की सौदेबाजी करना चाहते हैं, और फिलहाल पटना में यही हो रहा है। ये चेहरा एनडीए का है और छूमंतर की सियासत इस बात का जिक्र करती है। सुबह नाश्ते में बैठे थे तो ढोकला भी था, लेकिन समोसा भी था, पोहा भी था, दही भी थी, जलेबी भी थी,
और अभी डिनर में क्या बिहारी अंदाज में होगा या फिर गुजराती थाली होगी। सियासत तो कहती है गुजराती थाली मौजूदा वक्त की जरूरत हो चली है। तो आइए पटना लिए चलते हैं आपको जरा समझने के लिए वो कौन सा रास्ता है जिसे नीतीश पकड़ने के लिए तैयार हैं या इंतजार में है। एक बार मैं पटना आया था, हमारी पार्टी की कार्य समिति की मीटिंग थी, यहाँ के मुख्यमंत्री ने हमको खाने पर बुलाया था। अब हमारी थाली उन्होंने छीन ली। ये लालू जी कह रहे मैं आज जहर पी रहा हूँ, मैंने तो उस दिन भी जहर पिया था। जून 2010 में बीजेपी का साथ था पर नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेताओं को दिया हुआ भोजन रद्द कर दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी हुआ करते थे, बिहार में बाढ़ आई, मदद का चेक भेजा, नीतीश कुमार ने लौटा दिया। और 7 बरस बाद अप्रैल 2017 की ये तस्वीर, प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर गुलाब का फूल लेकर खड़े नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार का 2018 का रास्ता किधर जाएगा, ये सवाल तो हर जहन में उठना ही चाहिए। और जब नीतीश की मांग को एक ही मंच पर खड़े होकर मोदी भी अनदेखा कर रहे हो तो फिर नीतीश का रास्ता क्या होगा, ये हर कोई सोच तो रहा होगा। क्योंकि याद कीजिए पिछले बरस 14 अक्टूबर पटना यूनिवर्सिटी का समारोह था और आज आप आ चुके हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो लोगों के मन में पूरी आकांक्षा जग गई। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया, यूनिवर्सिटी टॉप 10 आएगी, 20 टोटल, उनको सरकार के नियमों बंधनों से मुक्त करके एक स्वतंत्रता दी जाएगी। और पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही नहीं, याद कीजिए 2014-15 में तो नीतीश कुमार पटना से लेकर दिल्ली तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात किया करते थे। अगर वो देर करते हैं तो बिहार वासियों अब अपनी तैयारी करनी है, या तो अभी दो नहीं तो 14 के बाद तो जरूर देना पड़ेगा 2014 को। इस तरह से बिहार के लोग उस अवसर का इस्तेमाल करेंगे। पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहां तरजीह दी। और तो और बीते दिनों दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में भी नीतीश ने विशेष राज्य का मसला उठाया तो भी मोदी सरकार को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा आंध्र प्रदेश को लेकर चंद्रबाबू नायडू भी उठा रहे थे। यानी केंद्र के साथ नीतीश है, यानी मोदी के साथ नीतीश है, इससे नीतीश को या बिहार को कोई लाभ होता नहीं। नीतीश बिहार में खुद को बड़ा भाई बना ले, इससे बीजेपी को कोई लाभ मिलता नहीं। तो फिर कौन सी स्थिति है जो नीतीश कुमार और अमित शाह को ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक के टेबल पर एक साथ ले आई। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनानी है। तो पहली बार नीतीश और अमित शाह दोनों को समझ में आ रहा है कि दोनों को सत्ता चाहिए तो साथ रहना होगा, क्योंकि ना तो बीजेपी ना जेडीयू अपने बूते बिहार जीत सकते हैं। दिल्ली में मोदी और बिहार में नीतीश सरीखा चेहरा जीत के लिए फिट केस है, यानी नीतीश सीएम रहे मोदी पीएम रहे, इसके लिए बिहार राजनीति को साधने के लिए ही ये डिनर है। नीतीश जी और हमारा गठबंधन बिहार के अंदर 40 तो फिर होगा क्या। इससे ज्यादा बड़ा सवाल है होना क्या चाहिए या फिर रास्ता बन क्या रहा है। तो 3 लकीरें खींची जा सकती है। पहली, लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हो जाए, नीतीश के लिए बीजेपी वोट ट्रांसफर हो और मोदी के लिए नीतीश का वोट ट्रांसफर हो। और तीसरा, नीतीश को लालू कांग्रेस का खुला निमंत्रण मिल जाए। जी, डिनर के टेबल पर अमित शाह इसीलिए नीतीश के साथ बैठे हैं क्योंकि वह भी आश्वस्त होना चाहते हैं कि नीतीश वक्त के साथ पलट तो नहीं जाएंगे, क्योंकि नीतीश का मतलब सिर्फ एक चेहरा है और वोट का मतलब बिहार में लालू कांग्रेस मांझी का एक साथ खड़े होना है। नीतीश कुमार यदि भाजपा के साथ रहना चाहते हैं तालमेल से, तो सबसे पहले विशेष राज्य की दर्जा तो दिलावे। यानी सत्ता की दौड़ साफ संकेत दे रही है, अगर लालू कांग्रेस को लगेगा कि वह गंवा रहे हैं तो फिर नीतीश का स्वागत होगा। अगर नीतीश को बीजेपी के साथ खड़े होने पर लगेगा वह गंवा रहे हैं तो नीतीश कुमार गठबंधन से समझौता करने में हिचकेंगे नहीं। यानी लकीर बारीक है पर सच यही है, बीजेपी का रास्ता नीतीश के दरवाजे पर जाकर रुक जाता है, पर नीतीश का डिनर टेबल अमित शाह के बाद किसी दूसरे को निमंत्रित कर सकता है। देश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी ने फैलना हर बूथ तक पहुंचना।
जमा और जीतने की आदत डाली। यानी बिहार की धार तय करेगी दिल्ली का रास्ता यूपी बिहार होकर महागठबंधन के आश्रय जाएगा या फिर उग्र हिंदुत्व की डोर सब कुछ छिन्न भिन्न करने की स्थिति में आ जाएगी और चेहरा गिरिराज सिंह सरीखा होगा जिनका राग संघ परिवार को अच्छा लगता ही होगा। हिंदुओं को दबाना ये सेकुलरिज्म है, सर्वधर्म संभाव हिंदुओं को तबाह करना ये सेकुलरिज्म है, सर्वधर्म ये नहीं मंजूर नहीं, वाकई मंजूर नहीं। विचारधारा का खेल है या संभावनाओं का खेल है राजनीति? राजनीति खेल है या फिर वाकई सत्ता में आके सेवा करने का भाव है, कह लीजिए जो भी। लेकिन सत्ता का खेल विचारधारा को किस तरीके से ताक पर ले जाता है या सत्ता के लिए किस तरह खुद को ताक पर ले जाने की परिस्थितियों को पैदा कर देता है, इस बात का जिक्र कहां से किया जाए? क्या कांग्रेस को आज चुना जाए और कांग्रेस के आश्रय जरा देखा जाए? एक वक्त मुस्लिम तुष्टिकरण, उसके बाद सॉफ्ट हिंदुत्व, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप समझती है लोग कहां समझते हैं? जरा इस रिपोर्ट को देखिए। ये तस्वीर गुजरात और कर्नाटक चुनाव के वक्त की है। दोनों जगहों पर बीजेपी को मुश्किल इसलिए आई क्योंकि राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व की चादर ओढ़कर जनेऊधारी ब्राह्मण हो गए और इसकी काट होगी क्या ये उस वक्त ना तो बीजेपी को सूझा ना ही संघ परिवार को। लेकिन अब 2019 का चुनाव नजदीक आ रहा है तो फिर ऐसे में काट खोजनी होगी और इसी के मद्देनजर सोमनाथ में रविवार से संघ परिवार का चिंतन मनन शुरू होगा। हर बरस होता है, इस बरस कुछ खास है क्योंकि अगले बरस चुनाव है। तो 15 जुलाई से शुरू हो रहे संघ परिवार की बैठक 3 दिन चलेगी और पहली बार सिर्फ हिंदुत्व की छतरी तले ही नहीं बल्कि मोदी सरकार के गवर्नेंस के कैनवास और उसके अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों पर भी चिंतन मनन होगा और रास्ता खोजा जाएगा कि किस रास्ते चला जाए जिससे मोदी सरकार की स्वीकृति समाज के भीतर कहीं ज्यादा बड़े कैनवास में हो जाए और संघ परिवार को भी प्रचार के वक्त मुश्किल ना आए और 2019 में जीत मिल जाए। और इसी चिंतन से ऐन पहले जब मोदी सरकार को कट्टर हिंदुत्व के दायरे में शशि थरूर रखते हैं तो कांग्रेस के भीतर का वैचारिक बिखराव उभर कर सामने आ जाता है। इफ दे हैव बीन एबल टू विन अ रिपीट ऑफ देयर करंट स्ट्रेंथ इन द लोकसभा एंड दैट विल बी अ न्यू वन दैट विल एनश्राइन द प्रिंसिपल ऑफ अ हिंदू राष्ट्र दैट विल रिमूव इक्वालिटी फॉर द माइनॉरिटीज दैट विल क्रिएट एन हिंदू पाकिस्तान। यानी कांग्रेस जिस मुस्लिम तुष्टिकरण से बाहर निकली शशि थरूर चाहे अनचाहे कांग्रेस को उसी दिशा में ले जा रहे हैं और इस दिशा में अब संघ परिवार भी बसते हुए अपने कैनवास को बढ़ा रहा है। तभी तो उसने प्रणब मुखर्जी को नागपुर के लिए आमंत्रित किया। वत्सले मातृभूमे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। यानी संघ अपना विस्तार करते हुए अपनी विचारधारा की छतरी तले दूसरी धारा को भी समेटना चाहता है और उसी दौर में कांग्रेस के भीतर से कभी मणिशंकर अय्यर निकलते हैं तो कभी सलमान खुर्शीद निकलते हैं और अब शशि थरूर की आवाज आ गई। Then frankly, our democratic constitution as we understand it will not survive because then they will have all the three elements they need to tear up the constitution of India and write a new one. तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस अब भी अपने कवच के भीतर ही सिमटी हुई है या फिर उसके नजरिया या उसका कैनवास उस रूप में बड़ा हो नहीं पा रहा जिस रूप में मोदी दौर में संघ परिवार ने अपने कैनवास को बड़ा किया? सांस्कृतिक संगठन से इतर खुद को राजनीतिक संगठन के तौर पर भी रखने में कोताही नहीं बरती और सोमनाथ में रविवार से होने वाली बैठक कई मायनों में अब इसलिए महत्वपूर्ण हो चली है क्योंकि संघ की इस बैठक में 200 प्रचारक होंगे जो 2019 के चुनाव के मद्देनजर देश भर में घूमते हुए नजर आएंगे। सभी सांगठनिक सचिव होंगे जो 2019 को लेकर वैचारिक दृष्टिकोण साफ रखेंगे। यानी संघ परिवार अपने कट्टर हिंदुत्व के कवच को सत्ता की खातिर तोड़ने की तैयारी कर रहा है और कर भी रहा है और कांग्रेस सत्ता के लिए संघ के पारंपरिक कवच में खुद को ही फंसाती जा रही है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।